हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर मैं आपके बीच इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सेगमेंट के साथ उपस्थित हूं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को समझने का प्रयास करेंगे, या फिर आप यूँ कह लें कि नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी समझने का प्रयास करेंगे। मैंने नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी से जोड़कर क्यों कहा, ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी पिछले लेसन में जो हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, ये दोनों टर्म एक दूसरे से काफ़ी नज़दीकी रूप से जुड़े हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को जहाँ एक सैद्धांतिक अवधारणा माना जाता है, वहीं पॉलिटी यानी राज व्यवस्था को उस सैद्धांतिक अवधारणा का व्यवहारिक स्वरूप या अप्लाइड फॉर्मेट कहा जाता है। ओके, हम लोग अब बात करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और अकॉर्डिंगली जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है। और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर समझ लेंगे तो जाहिर सी बात है हम इंडियन पॉलिटी का भी नेचर समझ पाएंगे, क्योंकि जैसा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर होगा निसंदेह पॉलिटी का भी नेचर वैसा ही होगा। तो एक पैटर्न आप ध्यान रखेंगे जो मैं यहां लिख रहा हूं। पहले मैं टॉपिक लिख दे रहा हूं, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय संविधान की प्रकृति। भारतीय संविधान की प्रकृति, अगर प्रकृति की जगह कहीं प्रवृत्ति भी लिखा हुआ मिले तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों का तात्पर्य यहां एक ही होता है। देखिए जी, जैसा किसी देश के संविधान की प्रकृति होगी या नेचर होगा, आप तय मानिए उस देश की राज व्यवस्था की भी वैसी ही प्रकृति होगी। ये पैटर्न आप हमेशा ध्यान रखेंगे। मीन्स नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री सिंपली सिग्निफाइज टू अस द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम प्रिवेलिंग इन दैट कंट्री। ओके, किसी देश के संविधान की प्रकृति क्या है, यह उस बात की तरफ इशारा करेगी कि उस देश की राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी है। अब चूंकि हमारी कंसर्न इंडियन कंटेक्स्ट में है, भारतीय संदर्भ में है, लिहाजा हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, और उसी की बुनियाद पर हम यह भी समझ पाएंगे कि भारतीय राज व्यवस्था की प्रकृति क्या होगी। ओके, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज सिंपली मीन्ट बाय व्हाट, नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। अब देखिए जी, अगर मैं कहीं नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो यह हेंस प्रूव है कि नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी की भी बात कर रहा हूं। अगर मैं कभी ये प्रोनाउंसिएट करूं कि वी आर हैविंग अ डिस्कशन अपॉन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, इट सिंपली मीन्स दैट वी आर ऑल्सो हैविंग अ डिस्कशन अपॉन नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स एग्जैक्टली। फाइन, अब देखिए जी, हम लोग यह डिस्कस कर चुके हैं, खास करके संविधान की जब मीनिंग के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि चाहे कैसा भी संविधान हो, अगर राज व्यवस्था की प्रकृति की तरफ इशारा करेगा तो सामान्यतः उसके पास तीन ही विकल्प होते हैं। वह या तो बतलाएगा कि अमुक देश की राज व्यवस्था की प्रकृति या तो एकात्मक है, या फिर संघात्मक है, या फिर अर्धसंघात्मक है, यानी एकात्मकता, संघात्मकता व अर्धसंघात्मकता, इसी को अंग्रेजी में यूनिटरी, फेडरल एंड क्वासाई फेडरल, यही तीन हो सकती हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर संविधान लिखित हो तो उस संदर्भ में हमारे पास तीनों विकल्प खुले होते हैं,
और अगर संविधान अलिखित हो तो ऐसी परिस्थिति में आपको किस तरह की राज्य व्यवस्था की प्रकृति देखने को मिलती है? केवल यूनिटरी, है ना, केवल एकात्मक। ओके, अब हमें किसी संविधान की बात नहीं करनी है, हमें बेसिकली भारतीय संविधान की बात करनी है। तो आपको मालूम है ना कि भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है। और आपको यह भी मालूम है कि अगर किसी देश का संविधान लिखित हो और उस संविधान की प्रकृति अथवा उस देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति का जायजा लेना हो तो हमारे पास तीनों विकल्प खुले होंगे। अब ये हमें जानने का प्रयास करना होगा कि उस देश के संविधान निर्माता अपने देश के लिए राज्य व्यवस्था की कौन सी प्रकृति का चयन किए हैं। तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं, यही लिखित संविधान की खासियत होती है। एनीवे, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है। और लिखित संविधान के संदर्भ में संभव है राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी हो? यूनिटरी हो। मैंने यूनिटरी के लिए यहां यू लिखा है, ध्यान से समझेंगे। हो सकता है प्रकृति फेडरल हो, संघात्मक, और यह भी हो सकता है कि ऊपर के इन दोनों का सम्मिश्रण हो, यानी यूनियन प्लस फेडरल दोनों के अवयव इसमें शामिल हो, दोनों से संबंधित इंग्रेडिएंट्स देखने को मिले, उसी को बोला गया क्वासाई फेडरल, QF, क्वासाई फेडरल यानी अर्धसंघात्मक। ओके, निसंदेह भारतीय संविधान निर्माताओं के पास ये तीनों विकल्प खुले रहे होंगे। अब चूंकि हमें यह जायजा लेना है कि क्या भारत का संविधान एकात्मक है, क्या भारत का संविधान संघात्मक है, क्या भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है। देखिए जी, भारतीय संविधान की प्रकृति को लेकर, और हां ये ध्यान रखना, भारतीय संविधान की प्रकृति मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति। तो अगर बार बार मैं भारतीय संविधान की प्रकृति बोलूं तो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप स्वतः समझ जाएंगे कि इसका तात्पर्य भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति से भी है। तो हमारे संविधान की प्रकृति को लेकर अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग चिंतकों ने अलग अलग राय रखी है। कहने का तात्पर्य है कि कुछ विद्वानों का मानना है कि भारतीय संविधान एकात्मक प्रवृत्ति का है, यानी इसकी प्रकृति एकात्मक है, यूनिटरी है। हालांकि यह सबसे कमजोर पक्ष माना जाता रहा है, ऐसा कहने वालों की संख्या बहुत कम है। तमाम विद्वान अपना पक्ष रखते हुए यह जताने का प्रयास किए हैं कि भारतीय संविधान संघात्मक प्रकृति का है। और कुछ एक ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी चिंतक हैं जिनका मानना है कि भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः संघात्मक है ना ही पूर्णतः एकात्मक, बल्कि यह अर्धसंघात्मक प्रवृत्ति का है। यानी यह एकात्मकता व संघात्मकता दोनों के ही लक्षण इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे उसमें केसी वेयर साहब हैं, अक्सर उनके स्टेटमेंट को कोट किया जाता है परीक्षा में कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय प्रवृत्ति का है। केसी वेयर ने ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे क्या वजह थी, वगैरह वगैरह, अभी हम लोग डिस्कशन में देखेंगे आगे। तो अभी मैं बताने का यही प्रयास कर रहा हूं आपको कि जिस तरीके से लिखित संविधान के लिए राज्य व्यवस्था की तीनों ही प्रवृत्तियों के अपनाए जा सकने का एक तरह से अवसर होता है, मौका होता है, तो निसंदेह वो सारी बातें भारतीय संविधान पर भी लागू हुई। यानी भारतीय संविधान इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, संघात्मक, एकात्मक, अर्धसंघात्मक। देखते हैं लोगों की राय क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ ने कहा यूनिटरी, कुछ ने कहा फेडरल, कुछ ने कहा क्वासाई फेडरल, है ना। क्वासाई फेडरल में जो प्रोमिनेंट मत जिनका अक्सर रखा जाता है वो है बेसिकली केसी वेयर। आपसे पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय प्रवृत्ति का है, और उनमें से तीन चार नाम दे दिए जाएंगे, हो सकता है एक नाम उसमें केसी वेयर भी हो, तो आपको किस नाम के साथ जाना चाहिए? केसी वेयर के साथ। ओके, जितना मुखर होकर इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय है उतना मुखर होकर किसी और ने नहीं कहा। कई स्रोतों में ऐसा देखने को मिलता है,
लोग दुर्गादास बसु साहब को भी बोलते हैं कि उनका भी रुझान यही था, उनका भी कहने का तात्पर्य यही रहा है कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय प्रवृत्ति का है। लेकिन नहीं जी, वो बेसिकली संघात्मकता के दायरे में रखते हुए एकात्मक प्रवृत्तियों का उन्होंने उजागर किया है। इसके आधार पर यह कतई नहीं कह सकते कि उनका रुझान भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक इंगित करने से था, अर्धसंघात्मक बताने से था। नो, अभी भी अगर उनका मत देखे तो उनके मत की जो प्रबलता है वो बेसिकली अर्धसंघात्मकता की तरफ नहीं है बल्कि संघात्मकता की तरफ है। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर माइंड में यह बात समझ लें कि अगर डीडी बसु की बात की जाए कि उन्होंने भारतीय संविधान की प्रवृत्ति के मद्देनजर अपना क्या विचार प्रकट किया था, तो आपका यही जवाब होना चाहिए कि उन्होंने भारतीय संविधान को अर्धसंघी न करार देते हुए संघात्मक करार दिया था। ओके, डीडी बसु, क्योंकि इनको लेकर आमतौर पे अलग अलग सोर्सेस कंट्रोवर्सी उत्पन्न करते हैं, इसलिए मैं पहले ही इन्हें लिख दे रहा हूं कि जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि डीडी बसु का झुकाव किस मत की तरफ था, भारतीय संविधान के अर्धसंघीय होने की तरफ या संघीय होने की तरफ, ध्यान रखेंगे उस समय आपका जवाब क्या होगा, संघीय होने की तरफ। इनके अलावे अलेक्जेंड्रोविट्स ये भी बाहरी विशेषज्ञ थे, हमारे देश के नहीं, इनका भी यही मानना है कि भारतीय संविधान संघात्मक है ना। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कमेटी का गठन किया गया था डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब के नेतृत्व में, उसको हिंदी में हम लोग संविधान की प्रारूप समिति कहते हैं। आपको बताऊं, उस प्रारूप समिति का भी यही मानना था जिसने संविधान का ढांचा तैयार किया, आप कह सकते हैं कि जिस समिति ने कहीं ना कहीं संविधान के शिल्पकार होने की भूमिका का निर्वहन किया, जब उस समिति ने भी यही कहा कि भारतीय संविधान संघात्मकता की तरफ इशारा करता है, उनका सीधे सीधे इरादा था भारतीय संविधान की संघात्मक प्रकृति को स्थापित करना। तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कमेटी का भी अगर आप मैंडेट जाने तो आपको पता चलेगा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कमेटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान की प्रारूप निर्मात्री जो समिति थी उसके अनुसार भी भारतीय संविधान कैसा है, संघात्मक है। और इन सब से हटके अगर हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय का हवाला दें तो हम यह जान पाएंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने दो महत्वपूर्ण वादों के हवाले से, यहां वाद का तात्पर्य केस से है, दो महत्वपूर्ण केसेस के हवाले से यह स्वस्पष्ट किया कि भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मकता की तरफ इशारा करती है। अगर उन केसेस की हम बात करें तो एक जो महत्वपूर्ण केस थी वो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, ये 1973 की केस थी, है ना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। आप वाद की जगह मामला लिख सकते हैं, वाद की जगह चाहे तो हिंदी में केस भी लिख सकते हैं, जैसे मैं बोलता हूं ध्यान देंगे, अंग्रेजी में तो लिखा हुआ है केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला केस, हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, या फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, या फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस, आप सीधे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस केस के हवाले से भी सर्वोच्च न्यायालय ने इशारा किया कि हमारा भी संविधान की प्रकृति को लेकर वही मत है जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कमेटी का हुआ करता था, संविधान निर्मात्री सभा का हुआ करता था। और यही नहीं, 1994 में अगेन एस आर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस,
1994 सायप्पा रायप्पा बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 के हवाले से भी सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की तरफ इशारा किया कि भारतीय संविधान की प्रकृति को अर्धसंघात्मकता या फिर एकात्मकता के चक्रव्यूह में नहीं फंसाना चाहिए। निसंदेह यह संघात्मक है। अब सवाल यह उठता है कि जब यह संघात्मक है तो आखिर लोग क्यों ऐसा बोल दिया करते हैं कि अर्धसंघात्मक है? कुछ लोग ऐसा बोलने के लिए आखिर क्यों मजबूर हो जाते हैं कि वो इसे एकात्मक करार दे देते हैं? यानी कहीं ना कहीं जो भी संघात्मकता हमारे यहां है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसे गुण है जो कई दफा लोगों को एक तरह से या तो मिसलीड कह लीजिए, मिसलीड कर देते हो, या फिर उन्हें अर्धसंघात्मकता या फिर एकात्मकता पर विचार करने के लिए मजबूर कर देते हैं। आपको बताऊं, निसंदेह हमारी संघीय व्यवस्था में कुछ ऐसे तत्व हैं जो कई दफा लोगों को मजबूर कर देते हैं यो कहने को कि भारतीय संविधान तो अर्धसंघात्मक है, या फिर कुछ लोग इसे एकात्मक बोल देते हैं, जैसे प्रोफेसर त्रिपाठी अटल, ये सब कुछ ऐसे चिंतक हैं जिन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि ये तो एकात्मक है। हालांकि आमतौर पे जब कभी भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं, संघात्मकता बनाम अर्धसंघात्मकता को लक्षित करके सवाल पूछे जाते हैं, है ना, तो कम से कम दो चीजें आप ध्यान रखेंगे यहां पर। एक, डीडी बसु एलेक्जेंड्रोविट्स ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कमिटी, एंड ओवरऑल सबसे महत्वपूर्ण जो बात आपको ध्यान रखनी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया SCOI यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अब देखिए जी, भारतीय संविधान के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का जो भी स्टैंड होता है, जो भी पक्ष होता है, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि संविधान के मुख्य विश्लेषक विश्लेषणकर्ता या फिर मुख्य विश्लेषक की भूमिका में अगर देश के अंदर कोई हो सकता है तो वो केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो सकता है। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज ऑफन बीइंग सेड दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज बेसिकली द सोल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड वट एवर द इंटरप्रिटेशन मेड बाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग वन और मोर प्रोविजन और प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर देयर दैट शैल ऑलवेज बी कंसिडर्ड फाइनल एंड बाइंडिंग। यानी भारतीय संविधान के प्रावधानों के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी विश्लेषण दिया जाएगा वह अंतिम विश्लेषण होगा और सबके लिए मान्य होगा, आप उसे चुनौती नहीं दे सकते। इज इट ओके? फाइन। तो एक बात तो हम लोग यहां पर समझ पाए हैं कि भारतीय संविधान की प्रकृति को लेकर अभी भी चिंतकों में, विद्वानों में एकमत नहीं है, यानी सबकी राय एकमत नहीं है, इसकी प्रकृति को लेकर मत भिन्नताएं हैं। लेकिन उपलब्ध मतों में अगर देखा जाए तो आप खुद भी महसूस कर सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रकृति के रिगार्डिंग सबसे ज्यादा यानी व्यापक स्वरूप में जो मत प्रकट किए गए हैं वो आपको नहीं लगता कि भारतीय संविधान के संघात्मक होने को लेकर किए गए हैं? यानी विभिन्न मतों का अगर हवाला दिया जाए तो ज्यादातर मत इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि भारतीय संविधान किस प्रवृत्ति का है, संघात्मक, यानी फेडरल मोड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है। चलिए एक बात यहां समझ लेते हैं, मैं बार बार संघात्मक बोल रहा हूं, एकात्मक बोल रहा हूं, चलिए ये दोनों समझ जाएंगे तो अर्धसंघात्मक तो यू ही समझ जाएंगे, क्योंकि अर्धसंघात्मक कोई एक्चुअल अवधारणा नहीं है, इन दोनों की मिली जुली अवधारणा है। देखिए, एकात्मकता व संघात्मकता का मतलब समझने के लिए मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं। जिस देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था या सामान्य अर्थों में राज व्यवस्था कह लें, अगर पूर्णतः केंद्रीकृत हो, सेंट्रलाइज्ड हो, तो समझना कि वहां एकात्मकता की अवधारणा अपनाई गई है। अब सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होगा, केंद्रीकृत होने का मतलब क्या है, क्या तात्पर्य है, यहां आपको बताऊं, एक ऐसी व्यवस्था जहां शक्तियों के विभाजन की संकल्पना न हो। अब सवाल यह उठता है, देखना, शक्ति विभाजन और शक्ति पृथक्करण
अब ध्यान रखना, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं कि पर्यायवाची अनुलोम विलोम यहां समझेंगे। शक्ति पृथक्करण की जो अवधारणा है उस पर हम जब भी बात करते हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के मध्य क्या कुछ पावर शेयरिंग है उसके सापेक्ष बात करते हैं। लेकिन जब शक्ति विभाजन की बात होती है तो यह बेसिकली फेडरेशन और उसके यूनिट्स के बीच होती है, यानी सेंटर, आप कह लीजिए सेंटर और उसकी यूनिट्स के बीच होती है। यहां बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं शक्ति विभाजन एक व्यापक अवधारणा है, जबकि शक्ति पृथक्करण एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, माइन्यूट बट इंटेंसिव ऑब्जर्वेशन। सामान्य सी बात बता रहा हूं, देखो जी यहां पर गवर्नमेंट वन ये कोई सरकार है, ये दूसरी सरकार है, ठीक है, हो सकता है ये किसी स्तर पे बनी हुई सरकार है, ये दूसरे स्तर पे बनी हुई सरकार है, ओके। अगर दो सरकारों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, शक्तियों का पावर शेयरिंग किया जाए, तो इसे आप, इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को आप क्या बोलेंगे, शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन, यानी एक बात तय है कि शक्ति विभाजन यहां तभी अंजाम दिया जाएगा जब दो स्तर पर सरकारें मौजूद हो। दूसरी अवधारणा मैंने क्या बोला हिंदी में, शक्ति पृथक्करण। गलती से भी उसे डिवीजन ऑफ पावर मत लिखना, उसके लिए आप किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर। और जब बात शक्ति पृथक्करण की होगी, सेपरेशन ऑफ पावर की होगी, तो हमें यह नहीं मतलब है कि कौन सी गवर्नमेंट किस स्तर पे है। जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो तीनों ऑर्गन्स होंगे, दिख रहा है आपको, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इन अंगों के मध्य शक्तियों का जो विभाजन होगा वो बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर की संकल्पना में आता है। आमतौर पे इसे स्टूडेंट्स एक सी अवधारणा मान लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक नहीं है। आप विभाजन और पृथक्करण इन दोनों का पर्यायवाची मतलब निकालते हुए अगर ऐसा करते हैं तो आप ब्लंडर कर रहे हैं, बचेंगे इससे। जब डिवीजन ऑफ पावर की बात होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात होगी, तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी। कहने का मतलब कि है तो ये व्यापक अवधारणा, लेकिन उतनी इंटेंसिव नहीं है, उतनी माइनस्कूल नहीं है, उतना हम पर्यवेक्षीय बनकर इसका अवलोकन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब सेपरेशन ऑफ पावर की बात होती है तो यह सेपरेशन ऑफ पावर की संकल्पना हर व्यवस्था में अपनाई जा सकती है। अगर मान लीजिए किसी देश के अंदर एक ही स्तर पर सरकार का प्रावधान हो, जैसे मान लो एकात्मक शासन व्यवस्था में यही होता है, केंद्र के माध्यम से ही पूरे देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होता है, और शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के संबंध में समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीकृत संस्थाओं द्वारा। यानी यहां कोई प्रोविंशियल कंसेप्ट नहीं होता, कोई लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट नहीं होता, सत्ता केंद्रीकृत होती है, यानी शक्तियों का विभाजन नहीं होता। शक्तियों का विभाजन कब होता, जब दूसरे या तीसरे स्तर पर भी सरकारें हुआ करती, लेकिन शक्ति पृथक्करण होता है, सेपरेशन ऑफ पावर को अंजाम दिया जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर बेसिकली एक फिलॉसफी है, यह बेसिकली फ्रेंच फिलॉसफर मोंटेस्क्यू द्वारा प्रोपाउंड की गई थी, प्रतिपादित की गई थी, और इस फिलॉसफी के माध्यम से सरकार के तीनों अंगों के मध्य शक्तियों के पृथक्करण की संकल्पना व्यक्त की गई है। ऐसा इसलिए कि जब तीनों अंगों को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की जाएगी तो ऐसी स्थिति में हर एक अंग एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस रखा करेंगे। सरकार को ये तीनों अंग एक साथ मिलते हुए अपने अपने दायरे में अपनी शक्तियों का उपभोग करते हुए समेकित रूप से जो पूरी सरकार की अवधारणा आती है, सरकार को कभी निरंकुश नहीं होने देंगे। और जब सरकार निरंकुश नहीं होगी तो शक्ति पृथक्करण की इस अवधारणा के आधार पर नागरिक अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकेगा, इंडिविजुअल्स राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। तो यह शक्ति पृथक्करण की है। अभी जो मैं शक्ति विभाजन की बात करूं तो आप इसे शक्ति पृथक्करण वाले इस दर्शन से जोड़कर नहीं देखेंगे, इस फिलॉसफी से जोड़कर नहीं देखेंगे, ठीक है जी। आज ये मुद्दे पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या डिवीजन ऑफ पावर की मैं बात कर रहा हूं, सेपरेशन ऑफ पावर की बात नहीं कर रहा हूं। तो कहने का मतलब कि जो एकात्मक प्रकार की शासनिक व्यवस्था होगी, यूनिटरी टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, तो हियर यू विल ऑब्जर्व नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर,
एकात्मक व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन की संकल्पना आपको नहीं दिखेगी, लेकिन संघात्मक व्यवस्था में आपको शक्ति विभाजन की संकल्पना साफ साफ दिखेगी। अब वो अलग बात है, जैसे मान लीजिए भारत के अंदर ही देख लीजिए, आप भारत के अंदर केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकारों के अलावे राज्यों के स्तर पर राज्य सरकारें हैं। आप देखिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच बहुत सारे मुद्दों पर शक्तियों का विभाजन आपको दिखेगा। कुछ एक शक्तियों का उपभोग केंद्र सरकार करती है, कुछ एक शक्तियों का उपभोग राज्य सरकारें करती हैं, और हर एक राज्य सरकार के दायरे में जो शक्तियां दी गई है, कहीं ना कहीं उन शक्तियों का उपभोग करने के लिए उसे किसी दूसरे की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने दायरे में रहते हुए वो बखूबी अपनी शक्तियों का उपभोग कर सकेगी। अब इतना तो तय है कि जो भी दायरा उसके लिए खींचा गया है, उस दायरे में कहीं ना कहीं एक न्यूनतम स्वायत्तता का तो लुप्त उठाती ही है राज्य सरकारें। ऐसा नहीं है कि केंद्र की तानाशाही है, मनमानी है। अगर ऐसा होता तो जरा सोचिए, केंद्र में किसी पार्टी विशेष की सरकार, किसी राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार, हो सकता है जो केंद्र में विपक्ष में है उसी की किसी राज्य में सरकार है। तो अगर विपक्षी पार्टी की सरकार राज्य में है तो क्या केंद्र सरकार उसे जब मर्जी समाप्त कर देगी? ऐसा नहीं, लोकतंत्र में यह नकारात्मक माना जाता है। अगर कोई तानाशाही रवैया अपना भी लिया तो उसे भी मालूम है कि आगे चल के उसको भरपाई करनी पड़ेगी चुनाव में। तो आमतौर पर ऐसा लोग नहीं करते। कहने का मतलब कि राज्यों के स्तर पर मौजूद जो सरकारें हैं उन्हें भी एक न्यूनतम स्वायत्तता प्राप्त है। यह कैसे प्राप्त हो सकी है? जाहिर सी बात है, केंद्र के साथ साथ कुछ शक्तियां उन्हें भी दी गई है। तो मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए 10 रुपए है, 10 रुपए में मैंने 8 रख लिया अपने पास, 2 आपको दे दिया, तो भले ये जो डिवीजन है जस्टिसिएबल डिवीजन नहीं है। आमतौर पर बराबर बराबर का बंटवारा सबसे खूबसूरत माना जाता है, अच्छा बंटवारे का तरीका माना जाता है। लेकिन फिर भी अगर 2 रुपए में आपको बांट दिया तो इतना तो आप कहेंगे ना कि हां, पैसे का बंटवारा हुआ। हो सकता है बंटवारा हुआ, आपको 8 दे दिया, अपने 2 रख लिया, या आपको 7 मिल गया, मुझे 3 मिला, बंटवारा तो यह भी हुआ, लेकिन आपको ज्यादा मिला, मुझे कम मिला। यह भी हो सकता है कि दोनों को 5-5, तो यह बंटवारे का थोड़ा सा लग रहा है कि आदर्श स्वरूप हुआ, बराबर बराबर, बराबरी की भावना, अक्सर बोलते हैं ना समानता बराबरी वगैरह वगैरह। एनीवे, तो आपको फेडरल सिस्टम में यह बंटवारा दिखेगा। बंटवारा दिखने का मतलब यह नहीं हुआ कि जो भी बांटा गया है बराबर बराबर ही बांटा गया है, नहीं, कम बेसी भी हो सकता है, ज्यादा और थोड़ा भी हो सकता है, बट हां बटेगा जरूर, बंटवारा जरूर आपको दिखेगा संघात्मक व्यवस्था में। और एकात्मक व्यवस्था में यही बंटवारा नहीं दिखता, क्योंकि बांटेंगे कब? कम से कम 2 हो, तब तो दोनों में कुछ बंटवारा हो। अब एकात्मकता केंद्रीय प्रवृत्ति की नुमाइश करती है यह व्यवस्था, और एक ऐसी केंद्रीय प्रवृत्ति जो आप कह सकते हैं कि यहां अत्यधिक केंद्रीयकरण दिखेगा आपको, या फिर केवल केंद्रीयकरण दिखेगा। ऐसी कोई इकाई नहीं होगी जिसके साथ केंद्र अपनी शक्तियों को साझा करेगा, इसी को एकात्मकता कहते हैं। अब मान लीजिए कि एक ऐसी व्यवस्था जहां कई मामलों पर आपको दिखे कि केंद्र अपनी शक्तियों को किसी के साथ साझा नहीं कर रहा है, और कई मामलों पर ऐसा दिखे कि केंद्र अपनी शक्तियों का किसी के साथ साझा जरूर कर रहा है, और जिसके साथ साझा करेगा वही केंद्र की इकाई कहलाएगा। तो कहने का तात्पर्य कि केंद्र अपनी इकाइयों के साथ मान लीजिए कुछ मुद्दों पर शक्तियों को साझा कर रहा है, बांट रहा है, और कुछ मुद्दों पर बिल्कुल नहीं बांट रहा है। इसका मतलब कि जिन मुद्दों पर नहीं बंटवारा कर रहा है, वे मुद्दे किसकी तरफ इशारा करते हैं? राजव्यवस्था की एकात्मकता की तरफ। और जिन मुद्दों पर विभाजन दिख रहा है, वे मुद्दे किसकी तरफ इशारा करते हैं? राजव्यवस्था की संघात्मकता की तरफ। अब जरा सोचिए, एक ही संविधान के अंदर आपको दोनों ही तरह के प्रावधान दिख जाए तो आप उसे क्या बोलेंगे? क्या पूर्णतः एकात्मक बोल पाएंगे? नहीं। क्या पूर्णतः संघात्मक बोल पाएंगे? अगेन नहीं। तो फिर क्या बोलेंगे? अरे भाई, कुआसा ही फेडरल बोलेंगे, अर्ध संघात्मक, ना तो पूर्णतः संघात्मक ना ही पूर्णतः एकात्मक। अब तो यह बात समझ गए ना एक सामान्य अर्थों में कि एकात्मकता व संघात्मकता में वास्तव में सामान्य फर्क क्या है। एक बार फिर मैं इसको समअप कर दे रहा हूं। एकात्मकता में आपको केंद्रीकृत प्रवृत्ति, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखेगी, और व्यापक केंद्रीकरण कह लीजिए, यहां पर केंद्र के साथ ऐसी कोई इकाई नहीं दिखेगी
जिसे देखकर आपको लगे कि केंद्र अपनी शक्तियां साझा कर रहा है, अपनी शक्तियां शेयर कर रहा है, ठीक है जी। लेकिन संघात्मक व्यवस्था में केंद्र के साथ साथ आपको वे इकाइयां भी दिख जाएंगी जिनके साथ वो शक्तियां साझा कर रहा है, शक्तियों का बंटवारा कर रहा है। अब बंटवारे को लेकर हमेशा ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि बराबर बराबर ही बांट रहा हो, अभी बताया ना ज्यादा और कम का भी बंटवारा हो सकता है, लेकिन ध्यान रखेंगे अगर बंटवारा हुआ तो समझना कि एकात्मकता का लक्षण नहीं है वहां, अगर बंटवारा हो गया तो संघात्मकता आपको दिखेगी। तो बंटवारे की अवधारणा कहां होती है? संघात्मकता में। और जहां एक ऐसा संविधान जहां कुछ लक्षण बिना बंटवारे वाला हो और कुछ लक्षण बंटवारे वाला, यानी दोनों एकात्मकता व संघात्मकता दोनों का संगम हो, तो उसे क्या बोलेंगे? क्वासाई फेडरल, अर्धसंघात्मक। क्लियर है जी? अब देखिए भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर विद्वानों में अलग अलग तरह के मत हैं, हां लेकिन उपलब्ध जो भी मत हैं उसमें सर्वाधिक मत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि भारतीय संविधान के संघात्मक होने को लेकर प्रबल अवधारणा है। क्योंकि जब खुद संविधान बनाने वाली संविधान निर्मात्री समिति ने ही कह दिया कि भारतीय संविधान संघात्मकता की तरफ उन्मुख हो रहा है, और उसी की भाषा में हां में हां मिलाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भी हाल के दिनों में बोल दिया, हाल के दिनों मतलब 21वीं सदी में, 70 के दशक में, 90 के दशक में, केशवानंद भारती केस ले लो, एसआर बुम्बई केस ले लो, और भी तमाम अवसरों पर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस बात की तरफ इशारा किया है? भारतीय संविधान के संघात्मक होने की तरफ। तो चलो सबसे मजबूत जो अवधारणा है भारतीय संविधान की प्रकृति को लेकर वो तो आपकी क्लियर हो गई, संघात्मक होने को लेकर है, यानी संघात्मकता की अवधारणा सबसे प्रबल अवधारणा है, ठीक है। चलो जी फेडरल, ओके तो देखिए जी ये तो बेसिकली हम लोगों ने इस आधार पर आकलन किया कि ज्यादातर मत इसे संघात्मक कह रहे हैं, इंक्लूडिंग द ओपिनियन रेस्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज वेल। बट ये भी है कि इतना होने के बावजूद भी कुछ लोगों ने इसे अर्धसंघात्मक बोला, कुछ लोगों ने एकात्मक बोला, तो एक बार क्यों ना हम वैश्विक मापदंडों का इस्तेमाल करते हुए यह जायजा ले लें कि क्या भारतीय संविधान को संघात्मक कहना उचित होगा। आपको बताऊं एक वैश्विक अवधारणा है जो यह बतलाती है कि अगर किसी भी संविधान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण पहलू होने चाहिए जिसकी बात मैं अभी करूंगा, अगर संविधान के अंदर वे महत्वपूर्ण पहलू शामिल है तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि यह संविधान संघात्मक कहलाने को तैयार है। और अगर उन पांच अवयवों में से, बेसिकली वो पांच हैं संख्या में, उन पांच अवयवों में से अगर एक भी वहां लैकिंग है, एक भी मिसिंग है, तो आप समझ लेंगे कि उस संविधान को संघात्मक नहीं कहा जा सकेगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई वैसे कौन से पांच वैश्विक मानक हैं जिनके आधार पे हम किसी भी संविधान का मेजरमेंट कर सकेंगे, मापन कर सकेंगे, सॉरी मापन कर सकेंगे कि वो संघात्मक है या नहीं। तो देखते हैं, सी फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन टू बी टर्म्ड एज फेडरल वन, इट इज इंपेरेटिव दैट फाइव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मस्ट बी इंट्रेंसिक इन द गिवन कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी संविधान को संघात्मक कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके अंदर, यानी उस संविधान में कम से कम पांच फीचर्स
पांच अवयव अंतर्निहित हो। हम उन इंट्रिंसिक फीचर्स की बात करेंगे, यहां इंट्रिंसिक का तात्पर्य है अंतर्निहित। एनीवे, वो पांचों कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जी। एक को बोलते हैं हम लोग डी, दूसरे को एस, तीसरे को डब्ल्यू, चौथे को आर और पांचवे को ए। आप इसे एक एब्रिविएशनल टर्म में भी याद कर सकते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं डी एस डब्ल्यू आर ए। अगर ये पांचों, बताऊंगा अभी पांचों का मतलब क्या है, घबराना नहीं है। ये जो पांचों हैं, जिस भी संविधान में आपको दिख जाए, आप समझ जाना कि इस संविधान में संघीय अवधारणा है, संघात्मक प्रकृति है। अब देखो जी, इस डी का क्या मतलब है। डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अगले पेज पे मैं इसको फ्रेश लिख देता हूं ताकि आपको पढ़ने में असुविधा ना हो। देखो डी एस डब्ल्यू आर ए, है ना, जैसा अभी अभी मैंने लिखा था पिछले पेज पे, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। एंड रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज नॉट सिमिलर टू व्हाट वी यूज टू से लाइक द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। जो पहले हमने भी डिस्कस किया है कि शक्तियों का विभाजन व शक्ति पृथक्करण की अवधारणा, ये दोनों अवधारणाएं अलग अलग हैं। ओके, तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्ति विभाजन या शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। अब जाहिर सी बात है, जब भी शक्तियों के विभाजन की बात आएगी, किस स्तर पे विभाजन करेंगे, गवर्नमेंट के ऑर्गन टू ऑर्गन लेवल पर या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल। अगर ऑर्गन टू ऑर्गन लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन को एंश्योर करने की कोशिश करेंगे तो वो डिवीजन ऑफ पावर नहीं कहलाएगा बल्कि सेपरेशन ऑफ पावर की श्रेणी में वो आ जाएगा, है ना, विच इज बेसिकली टाइप ऑफ फिलोसफी, शक्तियों का विभाजन। चलो दूसरी अवधारणा है एस, ध्यान रखेंगे एस फॉर सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी ऑफ व्हाट, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी। व्हाट्स अबाउट डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित संविधान का होना, लिखित संविधान। देखा था ना हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन हो तब उस स्थिति में हमेशा हमेशा उसकी प्रकृति कैसी होगी, यूनिटरी होगी, यानी फेडरल कभी हो नहीं सकेगा। ओके, आर, देखो जी आर का मतलब मैं इधर लिख रहा हूं, राइट साइड में स्पेस नहीं है, उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। यस, आर रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहां रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या तात्पर्य है, तात्पर्य समझेंगे अभी, बस इसका हिंदी फॉर्मेट लिख लीजिए, संविधान की कठोरता, संविधान की कठोरता। एंड व्हाट्स अबाउट अ, अ फॉर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स यानी न्यायालयों का प्राधिकार,
समझेंगे इन सब के निहितार्थ क्या है, शक्तियों के विभाजन की संकल्पना क्या है, यहां पर संविधान की सर्वोच्चता से क्या तात्पर्य है, लिखित संविधान का क्या मतलब है ना, संविधान की कठोरता का क्या तात्पर्य है। हालांकि संविधान की कठोरता पे हमने पहले भी प्रकाश डाला है, लेकिन फिर से एक बार इसको मैं इस कंटेक्स्ट में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। और फाइनली अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स की बात करेंगे, न्यायालयों के प्राधिकार का क्या मतलब है। और जब भी इन सब की बात करेंगे, केंद्र बिंदु में इंडिया होगा, यानी इंडियन पॉलिटी होगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जैसे हमने शक्तियों के विभाजन की बात की, तो चूंकि यह वैश्विक अवधारणा है, हर वो संविधान जिसमें शक्ति विभाजन की संकल्पना हो संघात्मकता का लक्षण होगा, संविधान की सर्वोच्चता हो संघात्मकता, लिखित स्वरूप हो संघात्मकता होने की संभावना, रिजिड प्रोविजन्स हो संघात्मक कहला जाएगा, न्यायालयों का प्राधिकार हो संघात्मक कहलाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, इन पांचों में से अगर एक भी कम हुआ तो समझ लेना कि वो संविधान संघात्मक नहीं होगा। यानी किसी भी संविधान को अथवा जिस संविधान की हम बात कर रहे हैं उस देश की राज व्यवस्था की प्रकृति का अगर हम आकलन करें और ये हमें पता करना हो या जायजा लेना हो कि क्या इस देश की राज व्यवस्था की प्रकृति अथवा इस देश के संविधान की प्रकृति संघात्मक है, वैश्विक मापदंडों पे वो संघात्मक करार तभी दी जाएगी जब उसके अंदर ये पांचों लक्षण होंगे, डी एस डब्ल्यू आर एंड ए। आपको बताऊं, जब भारतीय संविधान को इन पांचों संदर्भों के अनुसार हम आकलन करने का प्रयास करेंगे, उसको आंकना प्रारंभ करेंगे, तो पाएंगे कि भारतीय संविधान में ये पांचों तत्व, ये पांचों अवयव किसी न किसी रूप में समाहित हैं, किसी न किसी रूप में व्याप्त हैं। खैर, ये तो मैं आपको बता दिया कि भारतीय संविधान में ये पांचों आपको मिलेंगे, इसलिए वैश्विक मानकों के आधार पर भी अगर भारतीय संविधान की प्रकृति का आकलन करें तो हम कह सकते हैं कि यह संघात्मक है। तो वैश्विक मानक भी भारतीय संविधान की संघात्मक प्रकृति को हरी झंडी देते हैं, अलाउ करते हैं। अब यहां से ये जितने मानक मैंने लिखे हैं, यहां हर एक मानक से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे मेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।